स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रिस्पांस टू क्लाइमेट चेंज। पहला लेक्चर हमने इसका पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का भाग प्रेजेंट डे बायोम्स कौन कौन से होते इनके बारे में आज हम जानकारी देंगे। टैगा, टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब फॉरेस्ट एंड डिफरेंट डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, इन सब के बारे में इस ग्लोबल लेवल पर किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टाइगा, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, तो सबकी लोकेशन एट द ग्लोबल लेवल कहाँ कहाँ है और ये कौन कौन से बायोम्स हैं इनके बारे में इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। नाउ टुंड्रा, टुंड्रा की लोकेशन कहाँ पर है? रीजन साउथ ऑफ द आइस कैप्स ऑफ द आर्कटिक एंड एक्सटेंडिंग अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साइबेरिया। हाई माउंटेन टॉप्स पर टाइगा टुंड्रा पाया जाता है, आप देख रहे टुंड्रा लोकेशन। एंड एवरेज टेम्परेचर इज -40°C to 18°C, एवरेज प्रेसिपिटेशन यहाँ का 150 to 250 mm ऑफ रेन पर ईयर है और वेजिटेशन है ऑलमोस्ट नो ट्रीज ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट जो है यहाँ पर स्नो देखने को मिलती जिसकी वजह से लाइकेंस, मॉसेस, ग्रासेस एंड श्रब्स निग्लिजिबल हो सकता है और ऑलमोस्ट नो ट्रीज आर देयर ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन यहाँ पर बहुत कम समय के लिए है। यहाँ एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में दोनों ग्राफ्स के माध्यम से बताया गया है। प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर एंड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पूरा 12 महीने किस प्रकार से इसका है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन है और यहाँ बिल्कुल फिर से नील है। तो इसी प्रकार से टेम्परेचर रेंज भी बताई गई है -40 to 18 जो मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। तो यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है -40 to 18°C के बीच होता है। बोरियल फॉरेस्ट टाइगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर रेंज -40 to 20°C, एवरेज समर टेम्परेचर इज 10°C। प्रेसिपिटेशन कैसा है? 300 to 900 mm ऑफ रेन पर ईयर। जहाँ पर कोनीफेरस एंड एवरग्रीन ट्रीज आर देयर, वेजिटेशन यहाँ बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दीज आर द कोनीफरस ट्रीज, यू आर वेरी पिक्यूलियर, सूचीपर्णी वृक्ष जिनको कहते हैं, पाइन ट्रीज, कोनीफरस एवरग्रीन ट्रीज, कैनाडा, यूरोप, एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कोनीफरस फॉरेस्ट रीजन्स हैव कोल्ड लॉन्ग एंड स्नोई विंटर्स एंड वार्म ह्यूमिड एंड समर्स, वेल डिफाइंड सीजन्स, एटलीस्ट 4 to 6 फ्रॉस्ट फ्री मंथ्स हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से एवरग्रीन ट्रीज देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कनाडा, यूरोप एंड एशिया तीनों के बारे में और किस तरह से फॉरेस्ट का बेल्ट, कौन से प्रकार का विजिटेशन लोकेशन है तेगा, टेम्परेट डिसिड्यूस यहाँ पर सारा ग्लोब पे आपको दिख रहा है बोरियल फॉरेस्ट के बारे में। नाउ कोनीफरस फॉरेस्ट एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर जनवरी टू दिसंबर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टेम्परेचर रेंज आपको बताइए -40 to 10 समर्स में यहाँ पर 10 पर तक भी होता है। और प्रेसिपिटेशन जो है जनवरी टू दिसंबर में आप देख सकते हैं बीच का ये पीक टाइम दिख रहा है आपको फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टू अक्टूबर। नाउ टेम्परेट फॉरेस्ट, 4 टाइप्स है इसमें, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स डेसिड्यूस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, 4 प्रकार की फॉरेस्ट टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, यूरोप में, चाइना एंड जापान में, लोकेशन इनकी इन जगहों पर है। एवरेज ईयरली टेम्परेचर बिटवीन -30 to 30, मतलब वेरिएशन आप देखिए -30 to 30 तक है। हॉट समर्स भी है, कोल्ड विंटर्स है, सनलाइट वेरीज बिटवीन सीजन्स, सनलाइट के जो रीचिंग है अर्थ उनके विजिटेशन तक, इट वेरीज बिटवीन द डिफरेंट सीजन्स। एवरेज ईयरली प्रेसिपिटेशन इज़
750 to 1500 मिलीमीटर ऑफ रेन पर ईयर, पर ईयर आपका जो है प्रेसिपिटेशन एवरेज इतना ज़्यादा है। विजिटेशन डेसिड्यूस ब्रॉड लीफ ट्रीज है, ओक्स होते हैं, मैपल्स होते हैं, बीचेस है और कई तरह के श्रब्स है, पेरेनियल हर्ब्स है एंड मॉसेस है। तो विजिटेशन में वेरिएशन है यहाँ पर, यहाँ स्पष्ट रूप से आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। एवरग्रीन नॉर्थ अमेरिका में स्प्रूस, हेमलॉक, पाइन एंड फर ट्रीज है और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में मेड अप ऑफ रेडवुड एंड सिकोया। सिकोया जाइंट सिकोया के बारे में आपने सुना है, तो सिकोयाज आर देयर इन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है वहाँ पर स्टॉन्टन, वर्जीनिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो दिखाया गया है आपको यहाँ पर, जीरो से फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर तक और -42 एंड 0 to 10 इस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर बताया गया है और 40 डिग्री प्रेसिपिटेशन 40 mm जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे 12 मंथ्स के हिसाब से कहीं तो लो रेनफॉल दिख रहा है, कहीं हायर प्रेसिपिटेशन दिख रहा है, कहीं कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो देर इज़ वेरिएशन इन द रेनफॉल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक है, मस्ट रिमेन वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री, यहाँ पर इस समय फ्रॉस्ट फ्री रहेगा। एवरेज प्रेसिपिटेशन 2000 to 10,000 मिलीमीटर्स ऑफ रेन पर ईयर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं कितना सुंदर डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख रहा है। एवरेज ह्यूमिडिटी बिटवीन 77 to 88% है। विजिटेशन क्या है, लार्ज ट्रीज रीचिंग अप टू 240 feet, इसकी हाइट देखिए, हैव द मोस्ट डाइवर्स ट्रीज देन एनी अदर बायोम। वाइन्स भी होते हैं, ऑर्किड्स भी है और फर्न्स भी है, यहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर लेस देन 6% ऑफ अर्थ्स लैंड सर्फेस, कितना कवर करते हैं, 6%, लेस देन 6%। प्रोड्यूस मोर देन 40% ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं 40% ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजन। कंटेन मोर देन हाफ ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1/4 ऑफ ऑल मेडिसिन कम फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट्स, बहुत से रेन फॉरेस्ट प्लांट्स ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है मेडिसिनली, और वहाँ से 1/4 ऑफ ऑल मेडिसिन इट कम्स फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। साइंटिस्ट बिलीव मोर देन 1400 ट्रॉपिकल प्लांट्स थॉट टू बी पोटेंशियल क्योर्स टू कैंसर। कैंसर में भी ऐसे कई 1400 ट्रॉपिकल प्लांट्स है जिनका उपयोग कैंसर को क्योर करने में होता है, ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना है। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजॉन रिवर आप देख सकते हैं, मेडागास्कर, न्यू गिनिया एंड क्वींसलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर इंडिया की लोकेशन आपको दिख रही है। और यहाँ 3 मेजर ज्योग्राफिकल एरियाज आर देयर, अमेरिका अमेजॉन रिवर बेसिन है और अफ्रीका ज़ेरे बेसिन, स्मॉल एरिया ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मेडागास्कर जो यहाँ पर दिखाया, एशिया वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, असम, साउथ ईस्ट एशिया, न्यू गिनिया एंड क्वींसलैंड। तो इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस तरह से 3 मेजर ज्योग्राफिकल एरियाज में बटे हुए हैं। कैंपा, पीटा एंड बेलिज, एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वहाँ पर किस तरह की डाइवर्स वेजिटेशन है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी नासा से डायग्राम्स लिए गए हैं और यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है कि किस तरह से डाइवर्स वेजिटेशन है, कितना तो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन में भी बहुत सारा वेरिएशन है और एवरेज एनुअल टेम्परेचर में भी वेरिएशन है। साउथ ईस्ट एशिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मानसून का रोल क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होते हैं वो अक्टूबर से फरवरी तक होते हैं। दे ब्रिंग वेरी हैवी रेन्स टू ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड्स। साउथ ईस्ट एशिया इट हैज़ अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशन विंड सिस्टम्स ओरिजिनेटिंग इन द इंडियन ओशन एंड चाइना सी। इंडियन ओशन एंड चाइना सी में इसका ओरिजिन है और साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज विंड्स। 2 मानसून के सीजन है, नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है अक्टूबर से फरवरी,
ब्रिंग हैवी रेन्स टू ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड्स. और साउथ वेस्ट मानसून होता है अप्रैल से अगस्त के बीच, मोर पावरफुल ऑफ टू सीजन्स. इट ऑल्सो ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड्स. ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड्स ड्राई बट विंडी ड्यू टू रेन शेडो. यानी रेनी विंड्स जो है, इस तरह की विंड्स होते हैं. और आइलैंड्स के दोनों साइड आप देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसूनस अलग अलग महीनों में, जैसे अक्टूबर से फरवरी में और अप्रैल से अगस्त में ये मानसून होते हैं. चेंज इन मानसून साइकिल ब्रिंग हैवी कॉन्सिक्वेंसेस. क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल 92-93 में देखा गया कि लॉगिंग डिग्रेडेड प्राइमरी फॉरेस्टिंग मेकिंग इट वल्नरेबल टू फायर्स. ए ड्रॉट ब्रॉट ऑन बाय एल नीनो क्रिएटेड डिवास्टेटिंग फायर्स डिस्ट्रॉइंग 27,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एकरेज. लगभग 27,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एकरेज, मैंने इतना बड़ा जंगल का हिस्सा जो है और वो नष्ट हुआ या उसको नुकसान हुआ. और 1998 में द सेम टाइप ऑफ थिंग हैपन्ड अगेन व्हेन एल नीनो क्रिएटेड ए वीक मानसून सीजन डिस्ट्रॉइंग मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज. एल नीनो और ला नीनो, इसके बारे में आप जानते हैं. द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, मानसून सीजन्स, समर मानसून, इंडिया, इंडियन ओशन, आप देखिए बे ऑफ बंगाल से किस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेशर क्रिएट होता है या रेंस किस प्रकार से होती है. इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और यहाँ साउथ चाइना का सी. और समर मानसून विंड्स एंड विंटर मानसून विंड्स को यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से विंड्स का डायरेक्शन है और किस प्रकार से प्रेशर क्रिएट होता है और किस तरह से बारिश होती है या सीजन्स अलग अलग देखने को मिलते हैं. नाउ ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स जो है द प्रेरीज ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द पैम्पास ऑफ साउथ अमेरिका जहाँ जहाँ पर है, द वेल्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल यूरेशिया एंड सराउंडिंग द डेजर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया. इस तरह से ग्रासलैंड्स का जो लोकेशन है वो इस नक्शे में या मैप में बताया गया है. यहाँ आप स्पष्ट रूप से इन सबको देख सकते हैं. और टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड, ईयरली रेंज कैन बी बिटवीन -20 to 30. और प्रेसिपिटेशन कहाँ तक होता है? अबाउट 500 to 900 mm ऑफ रेन पर ईयर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वेजिटेशन ग्रासेस है, प्रेरी क्लोवर है, साल्विया, ओट्स, वीट, बार्ले एंड कॉर्नफ्लावर्स. अदर फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में नहीं पाया जाएगा. ग्रासलैंड्स में इंजीनियरिया वाइट, अर्जेंटीना. एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यहाँ पर दोनों लोकेशन प्लस ग्रासलैंड किस प्रकार से होती है उसके बारे में. और प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, बोथ ग्राफ्स आर गिवन हियर टू शो द पिक्चर हाउ द रेनफॉल इज ऑकरिंग पर ईयर एंड एवरेज रेनफॉल एंड एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंज. डेजर्ट्स, अब लोकेशन कहाँ पर है डेजर्ट्स की? फाउंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. डेजर्ट प्लांट्स क्या होंगे देखिए आप यहाँ पर. टेम्परेचर है एवरेज ऑफ 38 डिग्री डे में और एवरेज ऑफ -3.9 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नाइट. प्रेसिपिटेशन अबाउट 250 मिलीमीटर ऑफ रेन पर ईयर, बहुत कम होता है प्रेसिपिटेशन. विजिटेशन कैक्टाई, स्मॉल बुशेस और शॉर्ट ग्रासेस. कैक्टाई होती है, स्मॉल बुशेस और शॉर्ट ग्रासेस. अदर जैसे पेरिनियल सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स बाय बिकमिंग डॉर्मेंट एंड फ्लरिशिंग व्हेन वाटर इज अवेलेबल. एनुअल्स आर रेफर्ड टू एज एफीमेरल्स बिकॉज सम कैन कंप्लीट एन एंटायर लाइफ साइकिल इन वीक्स. एवरेज ईयरली टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ डेजर्ट कहाँ पर? एल ओसार, एल अगदार, इजिप्त में. तो यहाँ पर किस प्रकार से टेम्परेचर रेंज है आप देख सकते हैं और रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इट इज़ वेरी लो. सो हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एरिड डेजर्ट्स इन साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स विल श्रिंक एज प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस. सेवाना है, श्रब है, वुडलैंड सिस्टम्स है, विल रिप्लेस ग्रासलैंड्स इन द ग्रेट प्लेन्स. ग्रासलैंड को रिप्लेस कर सकते हैं.
एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि जिस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके अनुसार ये प्रेडिक्शंस है। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में क्या स्थिति हो सकती है, फॉरेस्ट विल एक्सपांड नॉर्दर्ली, वेदर कंडीशंस विल बिकम मोर सीवियर। साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में इंक्रीजिंग ड्रॉट्स विल ब्रिंग मोर फायर्स, ट्रिगरिंग ए रैपिड चेंज फ्रॉम ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट टू सेवानास। तो इस प्रकार से प्रेडिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज होता चला जाएगा, कहाँ से प्रेजेंट डे से प्रेडिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों में अंतर आएगा, लोकेशन में और विजिटेशन में। बायोम्स भी कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग हैबिटेट दैट कुड ऑकर अंडर डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। नेचुरल है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा और लॉस होगा। और शेड्स ऑफ रेड इंडिकेट परसेंटेज ऑफ विजिटेशन मॉडल्स दैट प्रेडिक्टेड चेंज इन बायोम टाइप। यहाँ जो शेड्स दिखाई गई है लाइट और डार्क, इनसे साफ तरीके से पता चल रहा है कि कहाँ 10% होगा, 10-20 होगा या 10-30, किस बेल्ट में आपका जो है बायोम टाइप आएगा या विजिटेशन टाइप आएगा। शुगर मैपल जो है उसकी भी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में विल चेंज ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ए डिक्रीज इन मॉइस्चर। जो भी है प्रेडिक्टेड न्यू ग्रोथ है वो बहुत अलग तरीके से होगी या कम होगी। और भी प्रेडिक्शंस है कि फर फाउंड इन वेट कोस्टल माउंटेन्स ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स, इट विल रिप्लेस द वेस्टर्न पाइन स्पीशीज विच आर मोर ड्रॉट टॉलरेंट, वेस्टर्न हेमलॉक एंड डॉगलास फर फाउंड ऑन वेस्टर्न स्लोप। ये जो है यहाँ पर बताया गया है डॉगलास फर ये डायग्राम में, तो ये सब चेंजेस आ सकते हैं। वेट वेस्टर्न स्लोप विल श्रिंक एंड बी रिप्लेस बाय पाइन एंड ओक। वेस्टर्न स्लोप श्रिंक होकर के पाइन एंड ओक से रिप्लेस हो सकता है, तो यहाँ पाइन एंड ओक की फोटोग्राफ बता रखी है। ईस्टर्न स्लोप विल बिकम ड्रायर एंड शिफ्ट टू जूनिपर एंड सेगब्रश, जूनिपरस ट्रीज यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कुछ टॉलरेंट स्पीशीज होती है, दे कैन अडेप्ट, बट इवन देन ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट द चेंजेस आर श्योर और प्रेडिक्टेबल चेंजेस मे ऑकर। Frequency of forest fires will increase, reducing total American boreal forest area. Shifts in terrestrial habitat, जो भी terrestrial ecosystem है उनमें shifts आएंगे। Global distribution of visitation in response to anthropogenic climate changes will definitely occur. किसी भी century जो predicted है कि at the end of the century the large scale shifts may occur. With man doubling the amount of carbon dioxide entering into the atmosphere, the climate is changing and more rapidly than plant migration will be keeping pace with the climate. Boreal and alpine vegetation existing in these areas will be replaced with temperate forest species. Tundra, taiga and temperate forest will migrate poleward. Some plants will face extinction because habitat will become too small. Mountain tops hai, European Alps hai. Siberian vegetation in response to doubling of carbon dioxide. जैसे जैसे carbon dioxide की levels environment में बढ़ेंगी तो vegetation naturally shift होगा या destroy होगा या कुछ change होगा या replace होगा। Grassland and shrublands. Grassland will change to deserts or shrublands, exposing greater amounts of soil. Then barren soil exposed to winds and transported into atmosphere as dust and trapping, leading to more warming. जैसे infrared rays है तो change तो आना ही आना है। Models of climate change, plant growth and soil water predict shifts in distribution of major North American prairie grasses. ओवर ए 40-year पीरियड चेंज आता चला जाता है। कौन कौन सी चीज़ें रिस्क पर है, वॉट आर द रिस्क, नॉर्दर्न कंट्रीज है, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, जो भी इनके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, एग्जिस्टिंग हैबिटेट, दे आर एट रिस्क। इन मैक्सिको इट्स प्रेडिक्टेड दैट 2.4% ऑफ स्पीशीज विल लूज 90% ऑफ देयर रेंज एंड थ्रेटन्ड विथ एक्सटेंशन बाय द ईयर 2055।
पॉपुलेशन एट ग्रेटेस्ट रिस्क आर द रेयर एंड आइसोलेटेड स्पीशीज विद फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स, जो बहुत फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स में या कम बहुतायत में नहीं है, बहुत कम है, और दो सराउंडेड बाय वाटर एग्रीकल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर प्लांट्स या किसी भी प्रजाति के लिए उनके हैबिटेट में सेव होने के लिए या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल है और उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है। पोलर बियर्स फेसिंग एक्सटेंशन बाय प्रोलॉन्ग आइस मेल्ट्स इन फीडिंग एरियाज अलॉन्ग विद डिक्लाइन इन सील पॉपुलेशन। 35% ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्रेडिक्टेड टू बी अलर्टेड, सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अमेजॉन रीजन साउथ अमेरिका, इन्फ्लुएंसेस रेनफॉल फ्रॉम मेक्सिको टू टेक्सास एंड इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब फिनोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। व्हाट इज फिनोलॉजी? किसी भी प्लांट लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग का जो पीरियड है उसकी लाइफ साइकिल में प्लांट्स की, उसकी फिनोलॉजी में चेंजेस आते हैं। लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव बीन अफेक्टेड बाय ग्लोबल चेंज। फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर्स अफेक्टिंग प्लांट्स ग्रोइंग सीजन फ्लावरिंग टाइम एंड टाइमिंग ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हैव ऑल बीन अल्टर्ड, सब में अल्टरेशन आ सकता है। स्टडीज ऑलरेडी शोइंग दैट मेडिटेरेनियन डेसिडियस प्लांट्स नाउ लीव 16 डेज अर्लियर एंड फॉल 13 डेज लेटर देन 50 ईयर्स है। 50 साल में यह अंतर आया है कि 16 दिन लेट जो है, 16 दिन जल्दी उनका जो है लीफ फॉल होता है और 13 दिन लेट जो है इनका डेसिडियस प्लांट्स का लीफ फॉल हो सकता है। प्लांट्स इन टेम्परेट जोन्स फ्लावरिंग टाइम ऑकरिंग अर्लियर इन द सीजन, ग्रोइंग सीजन इंक्रीज्ड इन यूरेशिया 18 डेज एंड 12 डेज इन नॉर्थ अमेरिका ओवर पास्ट 2 decades, पिछले 20 वर्षों में या 2 दशकों में ये अंतर आया है। फिनोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लाइमेट की वार्मिंग देखिए 1950 से 2000 में क्या रहा। प्लांट फिनोलॉजी, लीफ अनफोल्डिंग कितने, 1 से 4 वीक तक। अब लीफ फॉल 1 से 2 वीक तक डिलेड हो गया है। फ्लावरिंग अबाउट 1 वीक एडवांस्ड। ग्रोथ सीजन यदि हम देखें तो अबाउट 3 वीक्स एक्सटेंडेड। एनहांस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिलेटेड ग्लोबल वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। आपने न्यूट्रिएंट साइकिल्स या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में जाना। अब किसी भी प्लांट को उसकी मिनरल्स न्यूट्रिशंस की जो ज़रूरत पूरी करनी है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं या अपना पोषण लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, तो वो सब अफेक्टेड हो गया किससे, ऑल द डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और अब ये एनहांस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आप देख रहे हैं और यहाँ से एक चीज़ सब जुड़ी हुई है, ऑल दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड ड्यू टू द चेंजेस इन द क्लाइमेट द फिनोलॉजी हैज़ बीन चेंज्ड। लीफ अनफोल्डिंग है, लीफ फॉलिंग है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है एंड सेम लाइकवाइज इन एनिमल फिनोलॉजी ऑल्सो। अपीयरेंस एक्टिविटी 1 से 2 वीक तक एडवांस हो गया। माइग्रेशन एडवांस एंड डिलेड। अल्ट्रेशन इन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। ऑल्टर्ड स्पेशीज कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। अनप्रेडिक्टेबल कम्युनिटी लेवल इम्पैक्ट्स। कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं इतना उनमें चेंज आएगा। अल्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ऑल्सो एग्रीकल्चरल इफेक्ट, सोशो इकोनॉमिक एंड सैनिटरी इफेक्ट्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी। तो ये सब क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग ऑन प्लांट एंड एनिमल फिनोलॉजी। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरह से पारिस्थितिक तंत्र में जो चेंज आया और उसका क्या क्या प्रभाव रहा क्लाइमेट चेंज के कारण प्लांट और एनिमल की फिनोलॉजी में, उनके जीवन चक्र में। अब वो कई सारे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज और थॉट्स आते हैं कि हमें अपने प्रेजेंट डे बायोम्स को बचाना है या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है, जो भी पारिस्थितिक तंत्र हमारे यहाँ मौजूद है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स आते हैं, तो इन सबको बचाना है या इनके सेविंग करनी है, तो इनका कंजर्वेशन करना है, तो हम कैसे करें, तो कई सारे थॉट्स आते हैं। आर्टिफिशियल सीड डिस्पर्सल एंड ट्रांसप्लांटेशन इनटू क्लाइमेटिकली सुटेबल रीजन्स। इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल सीड डिस्पर्सल और ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं जहाँ की सुटेबल रीजन होगा।
मे हेल्प इन प्रिजर्विंग विजिटेशन अंडर स्ट्रेस. जो जो ऐसी विजिटेशन जो अंडर स्ट्रेस है या एट रिस्क है, उनको हम इस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं या उनको सेव कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है? सॉइल इन न्यू एरियाज आर अनसुटेबल. कोई नए एरिया में जाएंगे, वहाँ ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो दे मे बी अनसुटेबल. लेकिन हम कंजर्वेशन थॉट एक बार हम दिमाग में लाते हैं तो हम कुछ प्रजातियों को बचाने की कोशिश निश्चित रूप से कर सकते हैं. मैसिव रिफॉरेस्टेशन टू हेल्प गेट रिड ऑफ एडेड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट ऑन बाय मैन. प्रॉब्लम क्या है इसमें? इट इज़ एस्टिमेटेड टू कीप अप विद एमिशंस एफर्ट्स विल नीड टू बी डबल्ड और ट्रिपल्ड कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स. बहुत सारी एक्सपेंसिव प्रैक्टिस या एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं. विल यू टू टेक अप टू 100 ईयर्स टू रीफॉरेस्ट 40% ऑफ द US फॉरेस्ट. US में जो फॉरेस्ट कवर है उसको बचाने के लिए या उसको रीफॉरेस्टिंग करने के लिए कम से कम 100 ईयर्स का समय लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है. न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, बायो इंजीनियरिंग है, दे कैन कम अप एंड फर्टिलाइजेशन इरीगेशन मे एड इन माइग्रेशन. ये ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज है जो किसी भी एरिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड दे मे बी हेल्पफुल टू कंजर्व द डाइवर्सिटी और डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स मस्ट बी एड्रेस्ड और एनी कंजर्वेशन एफर्ट्स भी फेल. जब तक सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड जो है उसका उसके बारे में नहीं सोचा जाए या उसमें पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं हो या पॉलिटिकल विल नहीं हो या कोई सोशल अवेयरनेस नहीं हो तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें बरसों भी लग जाएंगे और हम उसको पूरी तरीके से सेव भी नहीं कर पाएंगे. इसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है और सेल्फ विल की भी ज़रूरत है. हर व्यक्ति या हर एंटिटी जब अपना योगदान देगी तभी हम इन सब ग्रासलैंड्स को या इकोसिस्टम्स को सबको बचा पाएंगे, उन्हें कंजर्व कर पाएंगे. नाउ दीज आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. व्हाट आर 6 मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स? क्लाइमेट हैज ऑलवेज चेंज एंड प्लांट्स हैव बीन एबल टू माइग्रेट विद दीज चेंजेस. व्हाई इज मॉडर्न क्लाइमेट चेंज पोजिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको बताना है. व्हाट आर सम कंजर्वेशन एफर्ट्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड टू प्रिवेंट प्लांट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन? प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो इसके लिए कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती है उसके बारे में आपको बताना है. व्हाट आर 4 मेजर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स? जितने बायोम्स आपको अलग अलग बताए हैं उनको टेरेस्ट्रियल बायोम्स को कौन कौन से ऐसे 4 मेजर चीज़ें हैं जो कि वो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को उनके इन्फ्लुएंस करती है या उन पर असर डालती है या प्रभाव डालती है, इनके बारे में आपको बताना है. ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपके लिए दिए क्योंकि ये हमारे 2 लेक्चर्स पूरे हुए हैं. दोनों लेक्चर्स में हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और क्लाइमेट चेंज के कारण उनके उन पर होने वाले प्रभाव का पूरा अध्ययन किया है और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन जो दोनों लेक्चर्स को हमने पढ़ा है सुना है तो इन क्वेश्चंस के जवाब इन्हीं में से हमें ढूंढने हैं और बताना है. इसके अलावा भी आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो यू आर फ्री टू आस्क. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC Kota. थैंक यू.